इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ए, बहुत काम है भाई, आखिर भगवान ने मुझे बनाया है क्यों? यही सब तरते रहने के लिए? अरे भाई, भगवान तुझे तो क्या किसी को नहीं बना सकता। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू फिर की ना ले यार। अच्छा तो बता, अगर भगवान ने तुझे या मुझे बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? वही समूचा पदार्थ है और वह अत्यंत निबत्तो। वह किससे बनता है? तो अपने अस्तित्व से बना हुआ है। हर पदार्थ अपने अपने अस्तित्व से है, कोई उसको बनाने वाला नहीं है। अपने टेढ़े सवालों के सीधे जवाब, धर्म के मर्म को समझें। ग्रंथराज प्रवचन सार जी की अनूठी वैज्ञानिक एवं सहज व्याख्या सुनें और उसके बाद परीक्षा दें। तो कितने सारे केमिकल है? और इधर कहते हो कि हम बस अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, फिर भी कैंसर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो इतना सारा तो केमिकल खाओगे तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इन चीजों से बचोगे नहीं तो बहुत जल्दी पूरा जीवन भी जीना मुश्किल होगा। समझ आ रहा है? इसलिए जो भी चीजें ऋतुओं की हैं, फसलों की हैं, उन्हें अपने घर में ला करके तुरंत लाओ, तुरंत खाओ। जितनी देर तक वो बाहर रह सकती हैं उतनी देर तक रख करके खाओ। उनको फ्रिज में रख करके खाना की कोशिश करोगे तो वो चीजें आपको हानि पहुंचाएंगी। समझ आ रहा है? और कुछ लोग तो ऐसे ना समझ होते हैं कि बस अब फ्रिज में रखा है तो वो कोई भी चीजें ला करके सबसे पहले फ्रिज में ही रख देते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो वो सब कुछ नहीं है, बस एक ना समझी का काम है। ये सब अज्ञानता के कारण से, देखा सेखी के कारण से कुछ भी लाओ सब फ्रिज में रख देना है। फ्रिज हटा दोगे तो आधी बीमारी घर से हट जाएगी। हाँ, हटा के देख लो क्या हो गया। बड़े बड़े फ्रिज आ गए, बड़े बड़े ना समझ लोगों के काम है ये सब। समझ आ रहा है ना? हाँ, समझदार लोग इन चीजों से दूर हैं। हाँ, और दुनिया में नासमझी से ही सब व्यापार हो रहे हैं। हाँ, तो आपको जब समझाया जाता है तब आपकी समझ नहीं आता, तो आपको जब डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है तब आपको समझ आता है कि हमें किस कारण से क्या हो गया। तो डॉक्टर भी आपको भीतरी कारण कोई नहीं बताने वाला है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी खुद वही सब काम कर रहा है। हाँ, उनकी तो रोजी रोटी है, फिर वो तो सब काम वही सब चल रहे हैं। तो इसलिए समझदारी अपनी अपनी होती है, अपनी समझदारी से काम करो। हमारे खाने पीने का अगर हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है फिर भी हम वैसा ही करते जा रहे हैं, तो इससे हमें अपने आप को बचाने का साहस करना चाहिए, है ना? किसी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से बच्चे लोग आजकल मतलब ये देख भी रहे होते हैं कि जॉब करने से हमारे लिए बहुत सारी परेशानी हो रही है। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी अपने शरीर को भी परेशानी में डाल करके जॉब करना नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, ये बहुत जगह देखने में आ रहा है। बहुत बच्चे बीमार मिलते हैं जॉब करने वाले। समझ आ रहा है? हिम्मत नहीं होती काम करने की तो भी उन्हें काम करने का वो जो लालच है वो छूटता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा फिर कैरियर खराब हो गया, फिर हम क्या करेंगे। शरीर खराब हो रहा है, नहीं दिख रहा है? और शरीर यहां तक खराब हो जाता है कि भी डॉक्टर कह देता है आप 6 महीने बेड रेस्ट पर रहो तो वो चल जाएगा। लेकिन पहले से जो है अपने आप को सुधारने की करने की हिम्मत नहीं हो रही आजकल के बच्चों में। ये एक मोह का ही एक बहुत बड़ा प्रभाव है। समझ आ रहा है? ये मोह और लोभ के कारण से अपना शरीर खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसकी तरफ नहीं देखता, लेकिन हमें जो करना है सो करना है, इस तरीके के भाव में रहता है व्यक्ति। तो ये भी एक अपने को बचाने के लिए एक समझदारी लाना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने शरीर को देखें, क्योंकि अगर शरीर है तो सब है। हम अपने शरीर को ही बीमार करते जाएंगे तो हम कौन सा बिजनेस और कौन सा जॉब करके क्या प्राप्त कर लेंगे है? तो ये समझदारी भी अब लोगों में छूटती जा रही है। पहला सुख बस निरोगी काया, फिर दूजा सुख हो घर में माया। तो माया के सुख के पीछे रोगी काया होती जा रही है ना? ये भी बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं
कि जब हम विहार करें तभी तुम ये सब ऋतुओं के फल फूल खाने की चेष्टा किया करो, उसके बाद में मत खाया करो, बीमार पड़ जाओगे। समझ आ रहा है? और फिर क्या होता है, एक अतिशय है, देवों के द्वारा भी एक बुलावा दिया जाता है। देखो, समझ आ रहा है, भगवान विहार कर रहे हैं, भगवान का इधर से गमन होगा तो देवलोक सबको बुलावा देते हैं, बुलाते हैं, देव देवों को भी बुलाते हैं, मनुष्यों को भी बुलाते हैं, आओ आओ। समझ आ रहा है? देखो, भगवान के दर्शन करो। इस तरीके का कार्य भी देवलोक किया करते हैं और इसके माध्यम से भी देवलोक अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। सबकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, इंद्र जो है सब देवों की ड्यूटी लगा देता है, तुमको ये करना है माने करना है, ऐसा काम होता है। नाशीर्वच प्रहसनम प्रविलोक वार्ता तीर्थ प्रवर्तन परो जगतो धीनाथ पश्यन्तु तस्य ककुभंतर नम तेजोधिकाग्रगमन धर्म चक्रम नहीं कोई आशीष वचन है हसे देख कर बात नहीं फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता तीन जगत के नाथ यही देखो देखो यही देखा धर्म चक्र आगे चलता अति प्रकाश चहुं ओर फैलता दिशा जगमग करता। ये क्या है? धर्म चक्र का प्रवर्तन। जहाँ भगवान विहार करते हैं आगे आगे यक्ष यक्षिणी चार धर्म चक्रों को लेकर के चलते हैं, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। चार धर्म चक्र यक्ष यक्षिणी जो है यक्ष लोग होते हैं, ये चार धर्म चक्रों को और एक एक हजार आरे का, आरे जानते हो, जैसे पहिया होता है बैलगाड़ी का उसमें जैसे आरे बने होते हैं ऐसे एक हजार आरों का एक चक्र होता है। हाँ, बहुत उसमें से मतलब स्फुरायमान प्रकाशमान देदीप्यमान ऐसा वो दिव्य चक्र देवों के द्वारा लेकर के आगे चला जाता है और पीछे पीछे से फिर भगवान का विहार होने की वो सूचना देता है कि भगवान आ रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? जेट सुरक्षा जैसे होती ना, है ना, हाँ, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो पहले से ये सब देव लोग जो है आगे आगे हो करके सब पहले से पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, भूमि सब बिल्कुल कंटक रहित, दिशाएं निर्मल, हवाएं सब कुछ जो है बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा, तब पता पड़ेगा क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रुको रुको अभी देखना पीछे से तीर्थंकर प्रभु को आ रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा जो है यह धर्म चक्र का प्रवर्तन इस तरीके से होता है। अब देखो इसमें क्या एक भाव लिखा हुआ है कि भगवान का जो धर्म तीर्थ चल रहा है और भगवान ने जिस समय पर साक्षात धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की उस समय पर भी उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो आज धर्म तीर्थ को चलाने के लिए करना पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? इतने बड़े तीर्थंकर हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, क्या समझ आ रहा है, ना तो कोई उनके पैर छूता है और ना वे किसी को आशीर्वाद देते हैं। ये भी सुन के रखना। क्या सुन रहे हो? इतने बड़े तीर्थंकर, वहां पे लोग ये नहीं बोलते कि अगर हम आप जैसे महापुरुष के पैर नहीं छुएंगे तो फिर मेरा जन्म कैसे सफल होगा और मुझे पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी। समझ आ रहा है? उन तीर्थंकरों को कोई कोई नहीं छू सकता। क्या समझ आ रहा है? इंद्र भी भगवान के पैर नहीं छू सकता, गणधर भी भगवान के पैर नहीं छूते, सब उस गंध कुटी में सिंहासन पर गंध विराजमान जो भगवान है उस गंध कुटी में भी एक व्यवस्था रहती है जो उसमें तीन कटनियां रहती हैं उसमें से एक दूसरी कटनी पर ही बस जो है घूम करके वहीं से परिक्रमा लगा करके आपको नीचे उतर के आना है, ऊपर नहीं चढ़ सकते आप। समझ आ रहा है?
कोई भी भगवान को छू नहीं सकता, भगवान के पैर नहीं छूता, तो आज का आदमी कैसे भगवान के समोसरण में जाकर के छुए बिना लौट करके आए, तो कैसे लगे? क्या समझ आ रहा है आपको? लगता है मुनि महाराज के पैर नहीं छुए जब तक कि नमोस्तु ही नहीं होती आपकी दूर से तो नमोस्तु करना लोगों ने छोड़ ही दिया। मान लो कहीं साम बैठे, यहां 20 लोग या 10 लोग सामने बैठे हो, तो कोई भी नमोस्तु करने आएगा तो उनको टोके बिना घुस करके जब तक पैर नहीं छू लेगा तब तक वो नमोस्तु वहीं दूर से करके नहीं जाएगा। वो ऐसी आदत पड़ी लोगों में, समझ आ रहा है? मान लो अगर आगे लोग भी बैठे हैं तो वो सबको साइड से करेगा, कई लोग तो चिल्ला भी पड़ते हैं, क्या महाराज को घेर के बैठ गए हो, दर्शन नहीं करने देते हो, समझ आ रहा है? ऐसा भी होता है। मतलब ये कि आदमी को दर्शन तो हो रहे हैं लेकिन वो नमोस्तु करने का भाव, वंदना करने का भाव उसको दूर से नहीं होता कि हम दूर से नमोस्तु कर लें, दूर से बैठ जाएं, दूर से अर्घ चढ़ा लें और अपने मतलब उपदेश हो रहा हो तो उपदेश सुन लें, नहीं हो रहा हो तो चुपचाप बैठ के चले जाएं। क्या समझ आ रहा है? उधर कैसे संतुष्टि मिलती है? तीर्थंकर तो एक ही होते हैं, समझ आ रहा है, और उनसे ज्यादा पुण्यवान कोई होता नहीं, उनसे ज्यादा रिद्धि संपन्न कोई होता नहीं, और हमारा जन्म आपके तीर्थ काल में हुआ है और हम आपके पैर ना छू पाए भगवान, तो ये तो फिर हमारा जन्म ही बेकार हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं कहता वहां। क्या समझ आ रहा है? जहां जैसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं वहां आदमी वैसा ही मन भी बना लेता होगा, नहीं तो कितनी बड़ी बात है। भगवान किसी चीज को छूते नहीं और भगवान को भी कोई छू नहीं सकता, और वहां तो भगवान की दृष्टि नहीं उठती। तीर्थंकर बनने की बात तो छोड़ो, उससे पहले भी जब मुनि अवस्था में भगवान विहार करते हैं तब भी दृष्टि नहीं उनकी उठती, आशीर्वाद नहीं देते किसी को, कैसी स्थिति बनेगी? आप लोगों का निस्तार कैसे होगा? इधर के लोग तो बड़े अधीर होते हैं, अधीर मतलब एकदम से धीरज खो देते हैं, अगर नमोस्तु कर रहे हो और महाराज न देखें, आशीर्वाद न दें, महाराज नाराज हो गए। केवल आशीर्वाद से भी काम नहीं चलता है, वो पीछे है महाराज, पीछे तो मार दो थोड़ी सी, तब पता पड़े हाँ महाराज बहुत खुश है, समझ आ रहा है? तो जिनको ऐसी भावना पड़ी है कि पीछे मारने से कल्याण होगा, वो तीर्थंकर के समोसरण में पहुंच करके कैसे शांति से बैठ सकेंगे? तो थोड़ी सी आदत पहले से ही कुछ अच्छी डाल लो, है ना, ताकि वहां जाकर के उदम न मचाओ। तो भगवान भी कहें कि समोसरण में आए हुए लोग थोड़े सिंसियर हैं, बोले कहां से आए? बोले पढ़ के आए। कहां से पढ़ के आए? हाँ तो कहीं से पढ़ के आए, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से, समझ आ रहा है, उत्तर प्रदेश से कुछ पढ़ करके आए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे संस्कार आने चाहिए कि हम शांति से इस तरीके का भी अपना वातावरण बनाते रहें, है ना। इसलिए यहाँ लिखा है, वर्तमान में तो ऐसा लगता है आशीर्वाद न दिया जाए, देखा न जाए, बोला न जाए तो धर्म चले ही ना, ऐसा लगता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि भगवान को देखो कभी ना देखते हैं ना किसी से बात करते हैं, समझ आ रहा है? अब पर्सनली किसी से बात नहीं करना उन्हें, इतने बड़े तीर्थंकर होने के बाद में केवल गिने चुने लोग बस उनसे प्रश्न करेंगे तो ही वो एक्स्ट्रा टाइम में बोलते हैं। वैसे तो उनकी दिव्य ध्वनि मतलब दिन में 3 या 4 बार घिरती है, जो कल आपको बता दिया था, अब एक्स्ट्रा भी घिरती है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम में कब? जब विशेष रूप से इंद्र आएगा, समझ आएगा, चक्रवर्ती आएगा, गणधर परमेष्टि विशेष रूप से निवेदन करेंगे, तो कुछ विशेष रूप से अलग से उनके लिए टाइम दिया जाएगा, उनके लिए अलग से भी दिव्य ध्वनि होगी, समझ आ रहा है? तो बस यही गिने चुने 3-4 लोगों के लिए, और हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं सामान्य सभा में, असंख्यात लोग देवी देवियों के रूप में बैठे हैं, किसी की कोई सुनवाई वहां पर, ये भी कह सकते हो आप, नेगेटिव सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है भगवान तो केवल इन्हीं 3-4 लोगों की बात सुनते हैं और किसी की तो,
अब समझने की बात तो सब तरीके से समझा जा सकता है ना, कोई भी कुछ भी समझ सकता है, समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा वहां पर उन भगवान के प्रभाव से कोई भी सोचता नहीं, समझ आ रहा है? तो ये चीज जो है ये बताती है कि भगवान किसी से बात नहीं करते। अब केवल ज्ञान होने के बाद तो उनकी दृष्टि बिल्कुल नासाग्री हो गई, उससे पहले तो चलो मुनि अवस्था में फिर भी सामान्य मनुष्यों की तरह रहती है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद तो बिल्कुल नासाग्र, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई तरीके का शरीर में किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भाव या रिएक्शन कुछ नहीं, समझ आ रहा है? चाहे आप लाख मिन्नतें करो, चाहे विनती करो, चाहे कुछ करो, वो बस एक ही भाव में हमेशा रहने वाले, क्या समझ आ रहा है? और आप लोग होते तो क्या सोचते महाराज, बोलोगे नहीं तो लोग आएंगे कैसे है? आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो लोग आपके पास बैठेंगे कैसे, आपकी बात सुनेंगे कैसे, दर्शन करने भी क्यों आएंगे जब आप महाराज आशीर्वाद ही नहीं देते, देखते ही नहीं, क्या समझ आ रहा है? कैसे होता है? उसके बिना भी सब कुछ होता है, समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि ये पंचम काल है, है? और अभी की व्यवस्थाएं अभी की हैं, लेकिन तीर्थंकरों की व्यवस्थाओं को ध्यान में भी रख करके कम से कम इतना सोचने में तो आता है कि हे भगवान आप धन्य हो, महान हो, जो इतने मौन के साथ में इतनी बड़ी बड़ी धर्म की प्रभावना कर रहे हो और आपको पता नहीं कि कितने लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन आपको किसी के प्रति कोई भी भाव नहीं, समझ आ रहा है? मतलब इसको बोलते हैं एक स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्रता से होने वाली प्रभावना, स्वतंत्रता से चलने वाला धर्म, क्या समझ आ रहा है? कोई कुछ भी नहीं। और ये भगवान के द्वारा इस तरीके से जब चलता है तब यहां पर लिखा गया नाशीर्वच, ना तो कोई आशीर्वाद के वचन है, है? न प्रहसनम, ना कोई किसी को है? देख करके मुस्कुराना हंसना, बस एक ही मुस्कुराहट में रहेंगे भगवान हमेशा, क्या समझ आ रहा है? ये भी बहुत बड़ा काम है, एक बार मैंने प्रैक्टिस करवाई थी इसकी, क्या समझ आ रहा है? आप एक भाव में, जैसे आपने मान लो मुस्कुराने का एक भाव कर लिया, हम है ना, हम जब बोलते हैं ना कि मुस्कुराइए, है ना, चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाइए, तो आप एक स्माइल के भाव में आ गए। अब आप उसी भाव में कितनी देर रह सकते हो, कितनी देर तक आप भीतर से भी जानबूझ करके भी उतनी उस स्माइल को बनाए रख सकते हो, आप करके देख लेना, कोशिश करना कितनी देर तक वो स्माइल हमारी बनी रह सकती है, वो पता नहीं पड़ेगी कब डाउन हो जाती है, समझ आ रहा है? ये भी एक ध्यान करने की प्रैक्टिस है अच्छी, नहीं समझ आ रहा? आप कोई भी मन में भाव करके अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए तो स्माइल ले आते हो, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप हाँ डाउन हो जाती, फिर से फिर बनानी पड़ती है। और भगवान हमेशा एक ही मुस्कान में रहते हैं, एक ही भाव में रहते हैं, बहुत कठिन बात है। और ये तब है जब अपने अंदर बल हो, तब, समझ आ रहा है ना, काय बल चाहिए इसके लिए, मनोबल भी चाहिए और काय बल भी चाहिए। तो ये बल उनके पास में होते हैं जो एक ही भाव में शरीर बना रहना, एक ही भाव भीतर से बना रहना और एक ही भाव शरीर में परिलक्षित होना, समझ आ रहा है? तो ये बल के माध्यम से ही संभव है, आप करके देखना कभी ऐसा। और किसी को देख करके कोई बातचीत नहीं, तीर्थ का प्रवर्तन फिर भी होता रहता है, और वह तीर्थ का प्रवर्तन धर्म चक्र के माध्यम से, मान लो ये सूचित कर रहा है कि देखो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, ये धर्म चक्र जो आगे आगे चल रहा है, तुम लोग अलर्ट हो जाओ कि तीर्थ का प्रवर्तन इसी के माध्यम से हो रहा है, और ये तीर्थ का प्रवर्तन ये धर्म चक्र सूचित कर रहा है। चित्तम मदीय मेह तद्रूपभामयी मनः परमाणुदेशे जानामि नो किमिति संघटते समेति किंवाम्रवीज गणनेन रसं बुभुक्षुः
मेरा चित्त आप में है प्रभु लीन हुआ क्या पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। सा क्या यह घटित हो रहा नहीं पता कुछ मुझको देव, आम गुठलियों को क्या गिनना रस चखने की इच्छा एव। तीर्थंकर महावीर भगवान की स्थिति में जब हम भगवान के अतिशयों को जान लेते हैं, भगवान के शरीर के बारे में भी जान लेते हैं, भगवान के गुणों के बारे में भी जान लेते हैं, तब हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है जिसे हम भक्ति का भाव कहते हैं। और वह भक्ति का भाव जब उत्पन्न होता है तो वह तीर्थंकर भगवान से एक राग के कारण ही उत्पन्न होता है। जितना भी कोई भी संसार में द्रव्य हमें दिखाई देता है, उस सारे द्रव्य से हमारा संबंध अगर बनता है तो वह केवल एक राग ही ऐसी चीज है जिससे उस द्रव्य से हम अपना संबंध बना पाते हैं। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए हर विषय को हम राग के कारण से ही उन्हें अपना बनाते हैं। जितने भी संसार में मूर्तिक पदार्थ हैं, पुद्गल पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों को हम अपने राग के कारण से ही अपना बनाते हैं और राग से ही हर संबंध बनता है। अगर आप भगवान के अपने चित्त में ध्यान कर रहे हो तो ये भी बिना राग के संभव नहीं होता। आप विचार करें कि हमारी जीवात्मा, हम चैतन्य आत्मा हैं, राग का हमारे ऊपर जो प्रभाव है वो प्रभाव हमारे लिए घातक है। और कोई भी चीज़ जो हम अपने हृदय में लाते हैं, अपने मन में विचार करने में लाते हैं, वो बिना राग के उत्पन्न नहीं होती। राग का यह स्वभाव है कि वह बाहरी चीज़ को अपने चित्त तक लाता है। द्रव्य बाहर रहता है लेकिन चित्त हमारा उस राग के कारण से उसे भीतर तक ले आता है। बहुत अच्छा एक ज्ञान पंचास्तिकाय में आचार्य कुंदकुन देव देते हैं कि इंद्रियां तो केवल उतना ही ग्रहण करती हैं जितना इंद्रियों का विषय है, और इंद्रियों का विषय केवल मूर्त ही होता है, पुद्गल पदार्थ ही होता है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब मूर्तिक होता है। लेकिन उभयम चित्तम समासवदी, एक वहां गाथा में सूत्र वाक्य जैसा आता है, चित्त दोनों चीजों को अपने अंदर ले आता है। उभयम का मतलब मूर्त को भी ले आता है और अमूर्त को भी ले आता है। एक बहुत अच्छी यह विज्ञान है कि अगर आप केवल इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो इंद्रियां केवल मूर्त पदार्थों को ही ग्रहण करती हैं, और अगर आप मन का उपयोग करते हैं तो मन मूर्त के साथ साथ अमूर्त पदार्थ को भी ग्रहण कर लेता है। इंद्रियों से कभी भी आपको भगवान नहीं दिखाई देगा। इंद्रियों से आपको भगवान के भीतर क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की वास्तविकता क्या है, ये इंद्रियों से नहीं ग्रहण करने में आएगी। ये किससे ग्रहण करनी पड़ेगी? ये चित्त से, मन से ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है। अभी तक जो आपको दिखाया जा रहा था वो इंद्रियों के माध्यम से दिखाया जा रहा था, आप देख सकते थे उन अतिशयों को, इंद्रियों के माध्यम से आप देख सकते थे। अब जब सब अतिशयों का कथानक पूर्ण हो गया तो अब यहाँ पर एक भाव आ रहा है कि हे भगवान, मेरा चित्त आप में लीन हो रहा है,
या आपके रूप की आभा मेरे चित्त में आ रही है? कुछ तो हो रहा होगा, सोचना तो पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अगर आप ये विचार करोगे कि भगवान के रूप की आभा, भगवान का प्रकाश, भगवान की कोई भी स्मृति हमारे अंदर आ रही है, तो ये अलग बात है, और आपका मन भगवान में जा रहा है, ये अलग बात है। दोनों बात अलग हैं कि नहीं? भगवान हमारे हृदय में आ रहे हैं या हम भगवान के पास में अपना मन ले जा रहे हैं? बात थोड़ी सी जैसी एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जैसे आपने सुना हो कि आप अपने पुत्र के साथ चल रहे हो और आप उसकी उंगली पकड़े लेते हो, तो पुत्र ने आपकी उंगली पकड़ रखी कि आपने पुत्र की उंगली पकड़ रखी? समझ आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सामान्य से हम चलते हैं, पुत्र का भी हाथ अपने हाथ में हो सकता है, हम भी पुत्र के हाथ में अपना हाथ दे सकते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि संबंध जब सरलता से हो जाता है और संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होता है, तो फिर उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि हम क्या कर रहे हैं। फिर भी आप कभी महसूस तो करते होगे, जब आप अपने बेटे को पकड़ के चलते हो तो बेटा आपको पकड़ के चलता है कि आप बेटे को पकड़ के चलते हो? कभी महसूस नहीं किया कि मैं उसके हाथ को पकड़े हूं या वो मेरे हाथ को पकड़े है? चल तो दोनों ही रहे, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी को तो पकड़े होता है। लगता ऐसा है कि एक दूसरे को दोनों पकड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बेटे का हाथ पकड़ा हूं और बेटा क्या समझ रहा है? बेटा क्या समझ रहा है कि मैं पिता का हाथ पकड़े हूं। ये दोनों जिस तरीके से संबंधों के मधुरता के कारण से हमें समझ में नहीं आता, वैसा ही जब हमारा मन भगवान की भक्ति में लगने लग जाता है तो फिर समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? तव पादौ मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वय लीनम। भावना दोनों प्रकार की जाती है कि आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। लेकिन कभी आपको ये महसूस होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा मन हमारा चित्त क्या कर रहा होता है? भगवान के चरणों को हम याद करके अपने पास बुलाते हैं या हम अपने मन को ले जा करके उनके चरणों में रख देते हैं? ये वैसी ही बात है। अगर आपको भगवान की भक्ति करना आ गई, अगर आपके मन में भगवान के प्रति राग भाव सरलता से उत्पन्न हो गया, तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। और जब तक पता रहेगा कि हम ये कर रहे हैं, तब तक वो आपकी भक्ति में एक अधूरापन रहेगा। जब तक आपके ज्ञान में रहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, तब तक आप वैसा नहीं कर रहे हो। नहीं समझ आया? जब तक आप ये सोचोगे कि मैं भगवान के चरणों में अपना मन ले जा रहा हूं, तो जब तक आपको ये ध्यान है कि मैं भगवान के चरणों में मन ले जा रहा हूं, तब तक मन भगवान के चरणों में नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां क्या आ गया? मैं बीच में आ गया। समझ आ रहा है? जब आप और भगवान के बीच में इस तरह से मैं आ जाता है, तो वह मैं जब तक रहेगा तब तक दोनों के बीच में एक व्यवधान बना रहेगा। और जब आप ये भूल जाओगे कि मैं भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगा रहा हूं, मैं भगवान के चरणों में अपने मन को नहीं ले जा रहा हूं, मन हमारा गया भगवान के चरणों में, और मन अगर चरणों में लीन हो गया, तो आप अपने को उस समय पर यह महसूस नहीं करोगे कि मैं भगवान के चरणों में लीन हूं, मन भगवान के चरणों में लीन।
कुछ समझ आ रहा है? लोग जब भक्ति करते हैं तो इसी तरह की गहराई से भक्ति कर पाते हैं, और जब ये गहराई आती है तभी लोगों को कुछ आनंद आता है। और ये भक्ति सब अपने अपने इष्ट की, अपने अपने परमात्मा की सब करते हैं। आपने सुना होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। क्या मतलब है इसका? जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान, जब तक मैं हूं तब तक भगवान नहीं आ सकता, और जब भगवान आ गया तो फिर मैं रहा ही नहीं वहां पर, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहां चला गया। ये मैं पना जब तक रहता है तब तक वह चित्त भी भगवान के पास जाकर के भगवान के पास नहीं पहुंचता, वो अपने ही पास बना रहता है। मैं ये समझता रहता है कि मैं भगवान के पास पहुंच गया। इसलिए जब भगवान की भक्ति की जाती है तो उस भक्ति में अपने आप को भूलना होता है, और जब अपने आप को भुलाना होता है या भूलना होता है तो उस समय पर अपने आप जो प्रक्रिया घटित होती है वही प्रक्रिया भक्ति की प्रक्रिया कहलाती है, और उसमें जो रस आता है उसी को भक्ति का रस कहते हैं। जब तक आप ये सोचते रहोगे ये भगवान हैं, इनके ये 34 अत्से हैं, इनका ये दिव्य रूप है, मैं इनको जान रहा हूं, मैं इनको नमस्कार कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तब तक आपसे भगवान की सही भक्ति होगी नहीं। जानने के बाद भी नाजान बनना, अनजान बनना पड़ता है। अगर जानोगे नहीं तो फिर एक ऐसे अनजान बने रहोगे जैसा कि बिल्कुल ही कोई ना समझ होता, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अनजान पना भी दो प्रकार का होता है। एक अनजान वो होता है जो कुछ जानता नहीं है, और एक अनजान वो होता है जो जान करके कुछ जानता नहीं है। क्या समझ आ रहा है? जो कुछ भी नहीं जानता वो अनजान पना तो एक तरह से किसी काम का नहीं, वो तो एक तरह से बिल्कुल ही अज्ञान है, उससे कुछ होना जाना नहीं। लेकिन जो जान करके फिर अनजान बनता है वो कुछ काम में आता है। क्या समझ आ रहा है? जान करके भी आप अगर उस चीज को अपने सामने भुला देते हो, और जान करके भी आप उस चीज को अपने आप में ध्यान में नहीं लाते हो, वो जब स्थिति आ जाती है तो वो कहलाती है जान करके अनजान पने की स्थिति। और उसी स्थिति में एकत्व स्थापित होता है, अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा, अपने भगवान के प्रति एकत्व स्थापित होने के लिए पहले ज्ञान और फिर बाद में अनजान। फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या थी? ज्ञान के बिना आप अपने गति को उस इष्ट की ओर नहीं ले जा सकते थे जहां ले जाना चाहिए, और वह ज्ञान होने के बाद में फिर छोड़ देना पड़ता है कि फिर हमारे मन में वो चीज आ गई तो अपने आप हमारे मन की गति उधर बनी रहेगी। यही करना होता है। आप ये ना समझें कि भगवान की भक्ति करते हुए केवल भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की भक्ति में भी भगवान का ध्यान किया जाता है, और जब भगवान का ध्यान करके भगवान की भक्ति की जाती है तो वो भक्ति ही वास्तविक भक्ति कहलाती है। अगर आप कभी भी देखेंगे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, अगर वह कभी ध्यान में भी उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी में भी होते हैं तो उस समय पर भी उन्हें ज्ञान की जरूरत भी होती है, और ज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें उस ज्ञान को भुलाना भी पड़ता है। क्या सुन रहे हो? ये कहा गया है शुक्ल ध्यान उन्हीं को होगा, उपशम श्रेणी वही चढ़ पाएंगे, छपक श्रेणी वही चढ़ेंगे। शुक्ले चाद्य पूर्व विदह, जो पूर्व का ज्ञान रखने वाले होंगे, मतलब 10 पूर्व 14 पूर्व के पाठी होंगे, इतना ज्ञान जिनके अंदर होगा वही शुक्ल ध्यान करने के अधिकारी होते हैं।
तो ये ज्ञान का ध्यान में क्या उपयोग है? जो ध्यान करने से पहले ज्ञान की आवश्यकता है, और फिर कहा जाता है कि अगर ज्ञान जब तक आपका चलता रहेगा तब तक ध्यान होगा नहीं, और ध्यान से पहले ज्ञान भी आवश्यक है। तो ये दोनों बातें विरोधी इसलिए लगती हैं कि हमारी समझ में कभी ये नहीं आता कि हमें कैसे ध्यान किया जाता है और ज्ञान से कैसे एकाग्र होकर के उस ज्ञान को ही ध्यान में परिवर्तित किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।